हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफएस गुरु चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्लाउड इफेक्ट ट्यूटोरियल। तो ये मैंने एक सीन बनाया था हुडिनी के अंदर, तो ये मैंने बनाया। इसमें क्लाउड है जो कि ट्रैवल कर रहा है, जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है और बाकी के क्लाउड्स बैकग्राउंड में है, जो कि देख सकते हैं आप। तो ये आइडिया मुझे मिला इस वीडियो से, या आप वीडियो देख सकते हैं, LSD थंडर क्लाउड वीडियो है। तो इसमें ये सीन था, आप देख सकते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये था उस मेरा सेटअप। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दो लाइट्स हैं, दो तीन लाइट्स हैं इसमें, और एक कैमरा है जो कि स्टिल है, वो कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लाउड है मेरा और ये मेरी ज्योमेट्री है, ये देखिए। तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे बनाया। तो क्लाउड के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे सेटअप है सिंपल सा। मैंने यहाँ पे एक ये लिया है, जो हमारा मेन क्लाउड है वो ये है, जो हमारा एनिमेटेड क्लाउड है वो ये है, और बाकी स्टील क्लाउड ये है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो मैंने एक स्फेयर लिया सिंपल, और उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है ऐसे। मैं आपको एक अलग से बना के दिखाता हूँ। एक मैं स्फेयर लेता हूँ, ओके, और ये लाइट्स को मैं ऑफ कर देता हूँ अभी। स्फेयर लिया मैंने और इसको मैं कर देता हूँ पॉलीगन मैश। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ओके। तो इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दे, ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं तो आप देखिए क्या होगा। मैं इसके नीचे एक नोट लगाऊंगा, क्लाउड, और ये एक डेंसिटी क्रिएट करेगा क्लाउड की, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये है मैक्स एक्सिस में, तो आप इसको कर दे बाय साइज, तो इसको ज़्यादा अच्छे से वॉक्सल कैलकुलेट होंगे। तो मैंने इसको 0-1 कर दिया यहाँ पे। तो आप क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सिंपली एक और नोड लगाना है, क्लाउड नॉइस। और क्लाउड नॉइस लगा दिया आपने, तो ये थोड़ा सा कुक करेगा इसको, और देखेंगे आप केक नॉइस जनरेट की है उसने उस वॉल्यूम में। तो ये आपको इसलिए ठीक से नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं है। तो अगर मैं लाइट इनेबल करता हूँ तो आप देखिए, तो इस तरह से ये आपको विजिबल होगी। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, मैंने एक स्फेयर लिया है, उसको ट्रांसफॉर्म डाला है मैंने उसमें, कि उसमें एक शेप आ जाए क्लाउड की, क्योंकि वो स्फेयर था तो यहाँ पे शेप अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको एक शेप दे दिया ट्रांसलेशन में, स्केल कर दिया उसको। उसके बाद मैंने क्लाउड डाला है उस पर, क्लाउड नोड एंड सिंपली क्लाउड नॉइस। तो ये इस तरह से आ गया था। तो अब मैं सोच रहा था कि मैं इसको एनिमेट करूं, विंड के इफेक्ट करूं, तो वो तब उस तरह की इफेक्ट दिखाएगा जो हमने वीडियो में देखी। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अगर इसकी नॉइस को एनिमेट कर देता हूं एक्सिस में, जेड एक्सिस में जो भी, तो ये वैसे ही बिहेव करेगा। और मैं बाकी कैमरे स्टिल रख के अपने जो बैकग्राउंड के क्लाउड्स हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन दे दूंगा पीछे की तरफ, तो मेरा सीन वैसे लगेगा कि ये आगे जा रहा है। तो मैंने सिंपली इसमें क्या किया है नॉइस देने के लिए, अभी देखेंगे या तो आप इसमें चलाएंगे तो आप देख सकेंगे यहाँ पे ये पीछे की तरफ नॉइस जा रही है, देखिए। तो ये कैसे हुआ, तो मैंने यहाँ पे गया नॉइस के टैब पे, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हो, ऑक्टेव्स को बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये बिहेव में चेंज होगा इसके नॉइस वगैरह में। एलिमेंट स्केल है ये, आप देख सकते हैं ब्लफी जो बन रहा है उसका स्केल है, ऑफसेट वगैरह ये वही है, रफनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो मेन पार्ट है एनिमेटेड नॉइस का वो यहाँ से है, एडवेक्शन पे जाएंगे, ऑफसेट देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस है इस तरफ, तो मैंने जेड एक्सिस में इसको एक एनिमेशन दी है फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम इंक्रीज होता रहेगा, स्लो स्पीड मैंने इसकी कम रखी है और पल्स लेंथ 3 रखी है। अगर आप इसको कम करते हैं तो बहुत जिटरनेस आएगी, एक जिटरी इफेक्ट आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी पल्स लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, रफनेस को मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। आप इसकी फ्लिप बुक निकाल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 100 फ्रेम का निकल चुकी है फ्लिप बुक, तो आप इसको देखते हैं।
आप ये देख सकते हैं एक विंड इफेक्ट इसमें जनरेट हो रहा है, तो आप इसकी पल्स लेंथ को और बढ़ा के या कम करके एक अच्छा इफेक्ट पा सकते हैं। तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा एक विंड इफेक्ट जनरेट कर लिया हमने यहाँ से नॉइस के थ्रू, तो ये हो गया। और इसमें बैकग्राउंड के क्लाउड्स देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के लिए बस इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है, उसमें कोई हाथी घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे एक FBX कैरेक्टर डाउनलोड किया था मिक्सेमो से, उसको सिंपली मैंने यहाँ पे एक बॉन्डी फॉर्म डाला जिससे कि वो एनिमेशन आ जाए, और उसको ऊपर ट्रांसलेट कर दिया इसके, और इसको मैंने वहाँ कॉल करा रखा है बाहर, ये रहा इसको इसमें। तो सिंपली ये कुछ नहीं है इसमें। तो अब मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड के क्लाउड्स की, जो कि ये है, ये देखिए। तो इसमें एक ट्रिक अपनाई है मैंने, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक शेप लिया और उसके नीचे एक क्लाउड डाला है और उसमें नॉइस डाली है। तो अब अगर आप चाहें तो आप ये काम बाद में भी कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है। तो यहाँ पे आप इसको इस फाइल कॉपी टू पॉइंट नोट के बाद भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास सिंपली ये एक स्फेयर की ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपली आपके पास एक स्फेयर की शेप है और उसको आप एक, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए एक बड़ा स्फेयर लिया है, उसको ऑफसेट डाला है उस पर और स्कैटर डाला है पॉइंट जनरेट करने के लिए रैंडमली। और यहाँ पे मैंने पी स्केल के थ्रू उसकी थोड़ी सी छोटे बड़े के लिए स्केल के लिए ये डाला है पी स्केल, मिनिमम वैल्यू 0.4, मैक्सिमम वैल्यू 1, और फिर मैंने इसको ये जो मैंने क्लाउड्स यहाँ पे जनरेट किया उसको कॉपी टू पॉइंट कर दिया। तो यहाँ पे कम डाटा लेगा और इजिली कैश हो जाएगा, इसलिए मैंने ये किया। लेकिन ये पॉइंट सब सेम है, अगर आपको थोड़ी सी इसमें रैंडमनेस चाहिए तो यहाँ पे आपको इसके बाद लगाना होगा, लेकिन उसमें ये ज़्यादा टाइम ले रहा था कुक होने के लिए, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और इसको फर्स्ट फ्रेम पे कुक किया है, कैश कर दिया मैंने, सेव करंट फ्रेम पे जाके कैश किया है और उसको लोड फ्रॉम डिस्क कर दिया। तो ये बस फर्स्ट फ्रेम ही लेगा कैश में, सेकेंड फ्रेम नहीं लेगा। तो आप अगर इसको डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रेम फर्स्ट हो गया, अब जैसे सेकंड फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैश ही नहीं हुआ है वो। तो मैंने उसके लिए क्या किया, क्योंकि ये है तो स्टिल ही, मैं बस इसको पीछे की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने उसके लिए क्या है, मैंने यहाँ पे एक टाइम शिफ्ट नोड लगाया है और उसको फर्स्ट फ्रेम पे फ्रीज कर दिया। तो वो अब बाकी सभी फ्रेम पे आप यहाँ देखेंगे टाइम शिफ्ट पे, तो बाकी सभी फ्रेम पे सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो उसके नीचे फिर मैंने एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाया जिससे कि ये पीछे की तरफ ट्रांसफॉर्म होंगे, ये देखिए ये पीछे की तरफ ट्रांसफॉर्म होंगे, तो ऐसा लगेगा कैमरा आगे की तरफ मूव हो रहा है और जो हमारा मेन क्लाउड है वो भी आगे की तरफ मूव हो रहा है। सिंपली मैंने आइडिया यूज़ किया था ये, और बाकी मैंने मेन क्लाउड को और बैकग्राउंड क्लाउड्स को मर्ज किया और नीचे स्केल डाला। तो बस ये क्लाउड का सेटअप यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाहर आएंगे और आप लाइटिंग्स का देखेंगे तो यहाँ पे तीन लाइट्स मैंने मेनली यूज़ किए हैं, एक कैरेक्टर के लिए ली है और एक अप लाइट है, फर्स्ट लाइट ये रही, इसमें मैंने पिंक टिंट यूज़ किया है वीडियो के अकॉर्डिंग, जैसा रेफरेंस था उसके लिए उसके अकॉर्डिंग। और जो नीचे की लाइट है उसमें थोड़ा सा मैंने ब्लू टिंट यूज़ किया है, इंटेंसिटी उसकी कम रखी है मैंने। और जो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने लाइट यूज़ किया वो भी थोड़ी सी पिंक में इंटेंसिटी कम की है। बाकी मैंने इन्वायरमेंट लाइट यूज़ किया है और यहाँ पे एक HDRI प्लेस किया है, ये देखिए ऐसे पिंक स्काई वाला थोड़ा सा, तो ये यूज़ कर लिया मैंने, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। बाकी कैमरा प्लेस है मेरा और मैंने इसको यहाँ पे सिंपल जाके रेंडर पे रेंडर निकाल लिया, सिंपली रेंडर हो जाएगा, इसमें कोई मटेरियल की यूज़ नहीं है, आपको बस जाके इसको सिंपली यूज़ करना है, रेंडर कर देंगे आप मंत्रा APR में तो ये रेंडर हो जाएगा। ओके तो यही था सिंपल सा सेटअप जो मैंने यूज़ किया है अपने आर्टवर्क में। और एक चीज़ और, मैंने अपना आर्टवर्क पब्लिश किया है एक ओपन सी के वेबसाइट पे, जहाँ पे NFT अपने सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना आर्टवर्क पब्लिश किया है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको ओन कर सकते हैं और बाकी लाइक कर सकते हैं, मैं अपने आर्टवर्क से ही डालूंगा, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यही थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन है नीचे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए,
तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।